हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बेसाटू घोगली रोड पे एक रेडी परेशन 3BHK फ्लैट देखने आए हैं, जहां पे अभी हम लोग पार्किंग में खड़े हैं। देख सकते हैं यहां पे पूरा पार्किंग स्पेस फुल्ली डिज़ाइन और डेवलप है। यहां पे ऐसा है कि डेवलपर ने पार्किंग में ही जो है स्पीकर सिस्टम लगाया गया है, ताकि आपके घर में छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम हो तो आप इजीली उसको पार्किंग स्पेस में कर सके, राइट। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली यहां पे डिज़ाइन किया गया है स्पेस। यहां पे हर फ्लैट ओनर को कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया है। जो भी फ्लैट के ओनर हैं उनकी नेम प्लेट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले की गई है, और यहाँ पे रहेगी आपकी लिफ्ट, ये रहेगा आपका लिफ्ट स्पेस। उसके बाद थोड़ा आगे देखेंगे पार्किंग में ही, यहाँ पे जो है लेटर बॉक्स बना के दिया है, ये सभी चीज़ें हैं डेवलपर ने यहाँ पे बना के दी है, राइट। और थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग में ही एक टॉयलेट और वॉश बेसिन बनाया गया है, ताकि आपके घर पे कोई एक्स्ट्रा मेहमान हो, गेस्ट हो, कोई ड्राइवर्स हो, तो उनके लिए यहाँ पे ये टॉयलेट वॉश बेसिन यूज़ कर सके। उसी के साथ टॉयलेट में ही यहाँ पे गीजर है, तो यहाँ पे यूटिलिटी का बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे कॉमन एरियाज़ में और पार्किंग में CCTV कैमरा भी लगाया गया है, और उसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है, उसकी फिटिंग यहाँ पे बना के रखी गई है। और यहाँ पे साथ ही साथ जो टैंक सिस्टम है, वाटर टैंक का स्टोरेज सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन दी गई है, ताकि हर बार किसी को आके यहाँ पे बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही लेवल कम हो जाएगा वैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट होकर पानी अपने आप भर देगा, राइट। ऐसा कुछ है फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंग एरिया। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ पे हर फ्लोर पे 2 3BHK फ्लैट्स है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे 2 फ्लैट्स के ऑप्शन यहाँ पे सेल में अवेलेबल है, रेडी परेशन फ्लैट्स रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे फ्लैट कैसा बना है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग पे आ गए हैं, देख सकते हैं ये स्टेयरकेस बनी हुई है। यहाँ पे एक फ्लोर पे 2 3BHK फ्लैट है, दोनों के डोर बैंक अपोजिट रहेंगे। जैसे देख सकेंगे यहाँ पे एक फ्लैट है लोकेटेड, जो अभी हम देखने वाले हैं, यहाँ पे सैंपल फ्लैट बना हुआ है, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट दूसरा फ्लैट लोकेटेड है। और यहाँ पे रहेगी लिफ्ट, लिफ्ट देख सकते हैं फिट हो चुकी है, राइट। यहाँ पे लिफ्ट ऑलरेडी लग चुकी है, ये पूरे फ्लोर को आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगी। यहाँ से हम लोग फ्लैट देखने वाले हैं। फ्लैट की पूरी डिटेल्स, पूरे डायमेंशंस अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए फ्लैट के अंदर चलते हैं और डिस्कस करते हैं फ्लैट कैसा बना है। ये रहेगा आपका मेन एंट्री डोर, देख सकते हैं ये राइनो सेफ्टी डोर से। यहाँ पे 2 पैनल का डोर है, देख सकते हैं ये पैनल नंबर 1 है, और इसको खोल के दिखाता हूँ, ये पैनल नंबर 2 है। अरे ये रहेगा पैनल नंबर 2, राइट। इसको भी खोलेंगे तो ये आपके एंट्री के लिए बहुत ही ह्यूज ओपनिंग होता है, देख सकते हैं। कोई भी आपका बड़ा फर्नीचर वगैरह अंदर लाना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये डोर। यूटिलिटी वाइज बहुत ही अच्छा है और सेफ्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। ये लॉक हो गया, इसको लॉक कर देते हैं। ये मल्टीपल लॉक के साथ आते हैं, और यहाँ पे मेश डोर भी है, अगर कोई बाहर आया तो उनको आप देख सकते हैं। इसको खुला छोड़ देंगे तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा आएगा। ऐसा कुछ रहेगा आपका मेन एंट्री डोर। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पूरा स्पेशियस लिविंग रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो है विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है 2x4 की। वॉल पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेंट किया गया है, मल्टीपल इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं। ऊपर में जैसे देखेंगे यहाँ पे फॉल सीलिंग विथ LED लाइट्स, स्ट्रिप लाइट्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे आप हर रूम में अपने हिसाब से फॉल सीलिंग POP को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैक्सिमम जो भी फिटिंग्स दिख रही है उसी के साथ आपको फ्लैट मिलेगा, राइट। ये थी आपकी लिविंग रूम, और यहाँ पे अभी हम लोग किचन देखने वाले हैं। यहाँ से एंटर करेंगे तो देख सकते हैं किचन भी कितनी स्पेशियस है। यहाँ पे 2 काउंटर टॉप बनाए गए हैं, एक काउंटर टॉप यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे जो कैबिनेट्स बने हुए आप देख रहे हैं मॉड्यूलर वाले, ये आपको फ्लैट के साथ मिलेंगे, देख सकते हैं। आपको एक दो ड्रॉवर्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, राइट। ये आपको फ्लैट के साथ मिलेंगे। यहाँ पे भी एक काउंटर टॉप है, उसके नीचे भी कैबिनेट्स लगाए गए हैं, और हर काउंटर टॉप के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फिट करने के लिए आउटलेट्स भी दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लगे हैं। वेंटिलेशन के लिए दोनों साइज में विंडो लगी हुई है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का सिंक रहेगा विद 2 टैप्स, और ये वाटर प्यूरिफायर, ये चिमनी, जो भी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है ये आपको फ्लैट के साथ ही मिलेगी। अभी आप जो फ्लैट देख रहे हैं ये फ्लैट सेल के लिए अवेलेबल है, राइट। आप ये फ्लैट यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे। उसके बाद किचन को अटैच यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस दिया गया है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस दिया है। वॉशिंग मशीन लगाने के लिए यहाँ पे टैप और इलेक्ट्रिकल आउटलेट छोड़े गए हैं। अभी हम लोग जो है बेडरूम्स देखेंगे तीनों। फिर से किचन से बाहर निकलते हैं
हमारे हॉल में एंटर करेंगे। मुझे हॉल यहाँ का बहुत पसंद आया है और यहाँ पे बेस्ट है कि आप अपने हिसाब से फॉल सीलिंग डिज़ाइन कर सकते हो। ज़्यादातर जगहों पे कैसे होता है कि फॉल सीलिंग जो डेवलपर आपको देंगे वही चूज़ करनी होती है, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके हिसाब से फॉल सीलिंग आप डिज़ाइन कर पाओगे। राइट, देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये रहेगी हमारी फर्स्ट बेडरूम। राइट, ये है फर्स्ट बेडरूम, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बेडरूम है। यहाँ पे भी आप टॉप पे देखेंगे आप तो POP फॉल सीलिंग विथ LED लाइट्स एंड स्ट्रिप लाइट्स यहाँ पे लगाई गई है। ग्राउंड पे सेम 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, जैसे देखेंगे मल्टीपल इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, विथ यहाँ पे मेश नेट भी लगाई गई है। उसके बाद इस रूम के साथ आपको जो है अटैच टॉयलेट आता है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे अटैच टॉयलेट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड टू एकदम सीलिंग तक टॉप में यहाँ पे जो है टाइल्स लगी गई है। ऊपर में जैसे देखेंगे PVC का फॉल सीलिंग बनाया गया है, वहाँ पे भी एक LED लाइट लगाया गया है। जागवार की ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेगी, सभी जो फिटिंग्स दिख रही है जागवार की लगाई गई है यहाँ पे। सो टॉप नॉच क्वालिटी के यहाँ पे सभी यूटिलिटीज लगाए गए हैं। राइट, अभी हम लोग इस बेडरूम से निकलते हैं और दूसरी एक बेडरूम देखेंगे। राइट, उससे पहले अभी आपको कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ, आ जाइए। ये डोर से एंटर करेंगे कॉमन टॉयलेट, यहाँ पे इंडियन स्टाइल की सीट लगी है, यहाँ पे भी पूरी फिटिंग्स जो है वो जागवार की दी गई है। वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे एक फ़ैन भी दिया गया है और यहाँ पे भी PVC की जो है फॉल सीलिंग लगाई गई है। उसके बाद चलेंगे हम लोग सेकेंड बेडरूम में। अभी हम जो है सेकेंड बेडरूम में आ गए हैं, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे साइज़ की ये बेडरूम यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे भी सेम 2x4 की टाइल्स लगी हुई है। ऊपर में जैसे देखेंगे यहाँ पे भी फॉल सीलिंग विथ LED लाइट एंड स्ट्रिप लाइट जो अभी चालू है आप देख सकते होंगे। फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इस बेडरूम के साथ यहाँ पे अटैच बालकनी मिलती है। यहाँ पे बालकनी में स्लाइडिंग डोर्स, मेश डोर और उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी ग्रिल फोल्डेबल, ये आपको फ्लैट के साथ ही मिलेगी। यहाँ पे पहले से बना के रखी गई है, इसको फोल्ड कर देते हैं और ये रहेगी आपकी स्पेशियस बालकनी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा स्पेस है, यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी बालकनी में इलेक्ट्रिकल और वाटर के लिए यहाँ पे आउटलेट दिए गए हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, देख सकते हैं। राइट, उसके बाद अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आपको लास्ट बेडरूम दिखाते हैं, चलिए चलते हैं। ये लिविंग रूम के साथ ही है लास्ट बेडरूम। ये आ गए हम थर्ड और लास्ट बेडरूम में। इस बेडरूम को एज अ किड्स बेडरूम, एज अ ऑफिस या फिर एज अ पूजा घर भी इसको बना के रख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम तरीके की फिटिंग्स है, यहाँ पे भी ग्राउंड पे पूरी 2x4 की टाइल्स लगी है। ऊपर में यहाँ पे फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स दी गया है। ये फ्लैट तो अभी बना बनाया है बट अभी यहाँ पे इनके पास एक 3BHK का स्कीम और लॉन्च हुआ है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इंटीरियर डिजाइन भी कर सकते हो। राइट, यहाँ पे जैसे कुछ स्पेस बनाया गया था और इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो भी दी गई है। ऐसी कुछ थी फ्रेंड्स आज की प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स, प्रॉपर्टी के साथ आपको कौन सी चीज़ें मिलती है, क्या क्वालिटी मिलती है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर रूम की डायमेंशन मैंने स्क्रीन पे फ्लैश की थी। आप भी प्रॉपर्टी आके देखना चाहते हैं तो हमारे नंबर यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपके लिए लाते रहेंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू, टेक केयर।